इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन्स के अंदर वर्टिकल्स लाइंस जो होती हैं, जो कि डिस्प्ले पर आ जाती हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्टिकल लाइंस मीन्स ऐसे होती हैं कि जब आप डिस्प्ले पर इधर से साइड से निशान आ जाते हैं बहुत सारे, जो कि चमकीले साइड्स के से निशान होते हैं, तो उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने आईफोन के अंदर थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लीजिए डिस्प्ले को यहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, कोशिश करना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता हो जाए। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वो लेना है, क्या नाम उसको, रोड़ बोलते हैं उसको, और उससे यहाँ पर डिस्प्ले पर इस तरीके से, जिस तरीके से आ जाता है उस तरीके से डिस्प्ले पर यहाँ पर फेरना है। यहाँ पर आपको कुछ पैनी सी चीज़ ले लेनी है, जिससे कि आप यहाँ पर इस साइड से करेंगे तो यहाँ पर आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो अगर क्रैक हो गई होगी, या फिर पत्ता कट गया होगा, या डिस्प्ले के अंदर गिर गया होगा, तो ठीक है, यहाँ पर ठीक नहीं होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। थोड़ी सी हल्की मल्की सी भिची होगी, या सॉफ्टवेयर के आप कोई एरर होगा, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर साइड से भी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर साइड से भी आपके जो वो होंगे यहाँ पर, जहाँ से ये इशू क्रिएट हो रहा होगा, उधर से आपको जो यहाँ पर साफ कर लेना है, साइडों साइडों से, जो भी साइड हो यहाँ पर, उन साइडों से आपको बिल्कुल इसे साफ कर लेना है। ऐसा नहीं कि कोई सी साइड आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इशू चल रहा है, तो सॉफ्टवेयर इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आईफोन के अंदर से, जिससे कि आप मान के चलिए कि मतलब कि इशू क्रिएट हो जाता है कभी कभी सॉफ्टवेयर से भी, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को ज़्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि ओवर हीट होता है तो उससे पत्ता कटने की दिक्कत हो सकती है। चार्जिंग पर लगाकर यूज़ मत करिएगा। अब यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा है, तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए, एंड उसके बाद यहाँ पर जो है जर्नल में जाइए, और यहाँ से जो है यहाँ पर रीसेट पर जाइए, और रीसेट पर जाने के बाद रीसेट ऑल सेटिंग्स कर दीजिए, एंड देन उसके बाद ठीक नहीं होता तो रीसेट ऑल कंटेंट सेटिंग्स, या इरेज कर लीजिए अपने फ़ोन को, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर करना है, और फिर यहाँ से बैक लाइए अपने फ़ोन को, एक दफ़े शट डाउन कर लीजिए, और जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा हो यहाँ पर, उसको लेटेस्ट अपडेट को कर लीजिए। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रहा होगा, उससे आपका अपडेट यहाँ पर ठीक हो सकता है, आपका जो फ़ोन होगा। अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इस तरीके से आ जाता है कि सेटिंग्स वेटिंग्स कुछ हो जाती है, तो उसकी वजह से इशू क्रिएट हो जाता है। तो जैसे आप अपडेट करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी, अपडेट इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी डिस्प्ले क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर क्रैक हो चुकी है तो वो तो देखिए ठीक नहीं हो पाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।